हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का रक्षाबंधन कैसे रहा आप कमेंट में बताना। और मेरा तो बहुत अच्छा रहा, हमारा बहुत अच्छा रहा रक्षाबंधन। तो दोस्तों, अब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम से कर रही हूँ, क्योंकि कल कुछ बहुत खास है। कल है अंकित का बर्थडे और मेरी लाइफ का तो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो, तो मैं उसको बहुत एक्साइटेड रहती हूँ उस चीज़ के लिए। और फिर अभी तो अंकित ऑफिस गया हुआ है और मैं यहीं हूँ कर्णप्रयाग में, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के लिए यहाँ आई थी, तो फिर मैं वापस नहीं गई अभी, तो मैं यहीं हूँ अभी। तो अंकित शाम को आएगा इधर ही। तो दोस्तों, अभी मैं अंकित को हर साल बर्थडे पे उसके घर पे केक बनाती हूँ उसके लिए। तो वैसे तो आज रक्षाबंधन थी, तो थोड़ा सा थकान भी लग गई है, तो मैं देखती हूँ अभी बनाऊँगी उसके लिए केक। हमेशा बनाती हूँ मैं, हर साल बनाया मैंने उसके लिए केक। तो दोस्तों, अभी मैं उसके लिए केक बनाऊँगी, शॉर्टकट बनाऊँगी इस साल। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं केक की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। देर में मैं अभी अंकित के लिए केक बनाऊँगी, वो 6:30 बजे तक आ जाएगा, तो तब तक मैं प्रिपरेशन करूँगी। बर्थडे तो उसका कल है, तो मैं 12 बजे केक काटूँगी छोटा सा, तो मैं उसके लिए घर पर ही बनाऊँगी वो केक। तो दोस्तों चलो ठीक है, अब बनाते हैं केक। तो दोस्तों, केक बनाने के लिए मैंने 3 ओरियो बिस्किट लिए हुए हैं और 1 क्रीम बिस्किट है। तो क्योंकि ओरियो बिस्किट से जो केक का टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैंने ओरियो बिस्किट लिए। और मैंने ओरियो बिस्किट से सारे जो क्रीम होती है उसके बीच की बिस्किट की, वो सारे निकाल के साइड पर रख दी। और ये क्रीम भी हमारे बाद में काम आएगी, तो मैंने ये सारे मिक्सी के जार में ढाल दिए हैं और फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी अच्छे से। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन था तो इस वजह से मैं आज शॉर्टकट वाला केक बना रही हूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं लगा और टाइम अभी है भी नहीं, क्योंकि अंकित आने वाला है, तो हमें उसके आने से पहले केक बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस केक को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, भले शॉर्टकट है, जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। अब मैं केक बनाने स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये जो बिस्किट है वो भी ग्राइंड कर लिया और इसमें चीनी का बूरा लिया है, थोड़ा गर्म दूध लिया हुआ है और थोड़ा और एक इनो ली हुई है। और मैंने ये जो पतीली है मैं इस पे बनाऊंगी और ये बटर पेपर लगा दिया नीचे। दोस्तों, मेरे पास बटर पेपर था नहीं, तो मैंने घर पे ही बटर पेपर बनाया, घर पे भी बहुत ईजीली बन जाता है। फिर मैंने इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा रेत डाल दिया, मेरे पास रेत थी, अगर आपके पास नमक हो तो आप नमक भी रख सकते हो। और इसको फुल आंच पे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देना। उसके बाद फिर हम पतीली में सारा जो भी हमारा बिस्किट का मटेरियल है वो डालेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। और फिर गरम दूध डालेंगे, गरम दूध का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बिस्किट की जो गुठलियाँ वगैरह होती है, जो कोई छूट जाती है ग्राइंड करते टाइम, तो वो पूरी पिघल जाती है और अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा थिक बनाना है और ना ज़्यादा लिक्विड बनाना है, हमें अच्छी सी एक बैटर बनाना है, एक बैटर तैयार करना है। तो मैं इस बैटर को तैयार कर लूँगी और अच्छे से मैं इसको देख ली हूँ कि कहीं पे इसमें बिस्किट के टुकड़े ना रहे, इससे केक अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर मैं इसके बाद इसमें इसका पेस्ट बना के, बैटर बना के इसमें थोड़ा चीनी डालूँगी, चीनी का जो बूरा है मेरे पास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केक को पूरा तैयार होके आपको नहीं दिखा पाई और जो उसकी डेकोरेशन थी वो भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं ये सब शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि केक कैसे बनाएं बिस्किट से, तो मैं आपको नई वीडियो लाऊंगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो केक पे वीडियो चाहिए। तो
तो दोस्तों फिर मैंने उसके बाद चीनी डाली, और चीनी स्वाद अनुसार डालना, क्योंकि बिस्किट में पहले से ही चीनी होती तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी डालना। उसके बाद फिर मैंने इनो डाला, और इनो के डालने के बाद तुरंत हम इनो को थोड़ा सा बैटर पे मिलाएंगे, और इसको फिर हम बर्तन में डाल देंगे, और जिस बर्तन पर हम केक को बेक करेंगे उसको हमें बटर पेपर से कवर कर देंगे। और बटर पेपर ना हो तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बर्तन है उसके चारों तरफ बटर या ऑयल से पूरा कवर करना है, पूरा लगा देना है बर्तन के अंदर से ऑयल या बटर, और उसके बाद हम टैप टैप करेंगे जिससे कि इसके बबल हैं जो अंदर बने हुए बाहर आ जाएंगे और हमारा केक अच्छे से बेक हो। और हमने फिर ये कढ़ाई के ऊपर रख दिया, और हम इसको ढक के रखेंगे, और आँच हम मीडियम कर देंगे, और इसको 45 मिनट तक कुक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे केक कैसा बना है। तो दोस्तों अभी हो गई है रात और हमने खाना भी खा लिया है, और अंकित भी बहुत लेट आया आज, और पापा भी, तो सब ने खाना खाया और सब सो चुके हैं। और 12 बजे के बाद अंकित का बर्थडे भी, तो हम उसको 12 बजे विश करेंगे। और मैंने केक भी तैयार कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है केक। और अभी फिर 12 बजे ही तो हम जाएंगे उसको विश करने। तो ये फालतू सब बकवास डांस, इसके ये बकवास ऐसे ही चलती रहती है अपनी अलग सी, और बस हमने ऐसे ही मस्ती की सब ने। और फिर और सब ने केक खाया, और केक बहुत टेस्टी हो रहा था, और मम्मी पापा लोग तो सो गए थे इसलिए हम सब थे, हम ही थे, हम मस्ती कर रहे थे और बहुत कॉमेडी कर रहे थे दीपू और रोहित। और फिर उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे और केक वगैरह भी खाया हम सब ने वहाँ पे। तो दोस्तों फिर वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई, तो इसके लिए सॉरी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।